आज वर्ल्ड कैंसर डे उन लोगों के सम्मान में किया है जो कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हैं तथा जो कैंसर ट्रीटमेंट लेके कैंसर से मुक्त होकर एक आनंदमय जीवन यापन कर रहे हैं। आर्टेमिस हॉस्पिटल की तरफ से आज कैंसर सर्वाइवर डे पे आप सबका स्वागत है। बस मुझे इतना कहना है कि जो पेशेंट इस डिजीज से मुक्त हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल से सब तरह का इलाज करा के और बहुत हिम्मत से इस बीमारी पर विजय पाई होती है, तो ये दिन बेसिकली उनको समर्पित है, ये उनके लिए है। हम लोग सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। हर छः मिनट में एक महिला की डेथ होती है इंडिया में, और एक यही कैंसर है जिसको रोका जा सकता है, लेकिन इसकी जानकारी जनरल पब्लिक के पास नहीं है। इसको रोकने के दो स्टेप्स हैं। एक तो 9 साल से बड़ी जितनी भी बच्चियाँ हैं उनका टीका लग सकता है। दो टीके लगते हैं 15 साल के कम की उम्र में, और 15 साल के बाद 3 टीके हैं। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए टीका उचित नहीं है, उनके लिए हर 3 साल पे पैप्समियर कराना होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि आर्टेमिस दिल्ली NCR का एक इकलौता हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर एंड पेन मैनेजमेंट एंड पैलिएटिव केयर एज ए यूनिट काम करते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं अभिनय यादव, PhD PLM, कैंसर ब्लड कैंसर पेशेंट। और मैंने अपने 2 साल के 1.5 साल के अनुभव में मतलब ये पाया, मैंने अपने 1.5 साल के ट्रीटमेंट के दौरान में पाया कि ब्लड कैंसर एक बीमारी तो ज़रूर है, बट ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं है। और मैं सभी पेशेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा और उन परिवार वालों से कि अपना मोरल बिल्कुल ना डाउन करें, और अपने बच्चों का या पेशेंट का भी पूरा डाउन ना होने दें बिल्कुल भी।